मध्य प्रदेश के विकासखंड घोरा डोंगरी अंतर्गत ग्राम कचलोरा एवं डेरी आमढाना पंचायत में राशन दुकान पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे सामुदायिक लोगों को परेशानी हो रहा है। अब हम लोग सोसाइटी गया था है, सोसाइटी से आ रहा हूँ। पिछले हफ्ते हम लोग कूपन जमा किया था सोमवार का दिन। हफ्ते में हमारे यहाँ पे दो दिन बांटा जाता है, एक सोमवार और मंगलवार। तो हमारे पंचायत बहुत बड़ा है, यहाँ पे दिक्कत बहुत जाता है। यहाँ पे 872 कूपन करीब है। तो हमने पिछले हफ्ता कूपन जमा किया था तो हमारा पिछले हफ्ता कोई नंबर ही नहीं लगा। तो पिछले हफ्ता के बाद आज मंगलवार है तो कल भी नंबर नहीं लग पाया। तो फिर आज सुबह गया तो सुबह फिर आज हमारा बड़ा मुश्किल से नंबर लग पाया। तो हम लोग 160 से आ रहे हैं। अब आगे क्या करना चाहते हो, क्या सोचते हो? हम गांव वाले का विचार है कि पंचायत बड़ा होने के कारण सरकार से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमको दूसरा दुकान खोलने की इजाज़त दे और ऐसा करवा दे तो अच्छा रहेगा। हम लोग हाथ मजदूरी वाला है, अब हफ्ते में दो तीन दिन ऐसा चक्कर काटते रहेंगे तो हम अपने बाल बच्चों को कैसा पालेंगे और कैसा करेंगे। भाई साहब तेरा नाम क्या है? रवि चौहान। कहाँ रहते हो? कचिलोरा जामुंडाना में। कहाँ से आ रहे हो? कापरेटी से आ रहा हूँ। क्या मिला तुमको? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत गेहूँ मिला है और थोड़ा बहुत चावल मिला है। मिलता बहुत ही परेशानी हो रहा है, बहुत भीड़ भड़ाका भी रहता है। अब महीनों भर वहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है, महीनों भर में एक दिन मिलता है। तो आप आगे क्या करना चाहते हो? आगे ये है कि मतलब दुकान यहीं पे गांव पे बुलाने का सोचा है। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि इस राशन दुकान पर मैं भी राशन लेने जाता हूँ और हमारे सामुदायिक के लोग हफ्तों से वहाँ कूपन जमा करके दूसरे हफ्ते उनका लाइन लगता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही समस्या। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और हमारे CO श्री PS नरवरिया जी का फ़ोन नंबर है 94063466 पर फ़ोन करें ताकि हमारे पंचायत में और एक दूसरी दुकान खोला जाए। और मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया नट के लिए।